स्पिरिचुअल एग्रेशन इज एन एग्रेशन विच इज वी कॉल रिकॉल ऑफ द पास्ट मेमोरीज. पुराने समय की कुछ भी इशू वर्चुअल एग्रेशन ऑफ अ प्लेस कंसर्न द ट्रॉमेटिक फिनोमिना रिकॉर्डेड सिंस द ओरिजिन ऑफ मैन इन अ फॉर्म ऑफ वेवलेंथ मेमोराइज इन द रजिस्ट्री ऑफ मैन. ये हमारे अंदर ट्रॉमेटिक सिचुएशंस पहले दिन से है और ये रिलेशनशिप जेनेटिक और डीएनए से हमें मिलते आ रहा है. ऑल बीइंग्स एक्सपोज्ड टू अ गिवन एरिया होम वर्क प्लेस एक्सेट्रा हैव वाइब्रेशन ऑफ सेम वेवलेंथ एमिटेड बाय रेज दैट आर नॉन एग्रेसिव देमसेल्फ बट द ब्रेन कन्फ्यूजेस विद रिकॉर्डेड कैटास्ट्रोफ ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग रिएक्शन ऑफ ब्लॉकेजेस एंड प्रोटेक्शन. हमारे पास रिकॉर्डेड कैटास्ट्रोफीज हैं, सुनामी है, कोविड है, इस तरह की रिकॉर्डेड कैटास्ट्रोफीज को हमारा ब्रेन सिचुएशन में कंफ्यूज कर लेता है. एग्रेशन होता है सबके साथ बट ये वर्चुअल है, ये फिजिकल नहीं है. इन दिस केस द एग्रेशन इज ट्रिगर्ड बाय रिकॉल ऑफ मेमोराइज्ड वेवलेंथ. पुराने समय की जो पास्ट हैपनिंग की वेवलेंथ के साथ हम रिकनेक्ट हो जाते हैं. कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ जो होता है वो हम उसको अपना रिलेट करने लग जाते हैं कि हम भी उधर, हमारे एंसेस्ट्रल भी थे और हमारा भी ये सिचुएशन ऐसा था. द वर्चुअल एग्रेशन टचेज अस पर्सनली एंड कॉजेज अ बैड रिएक्शन टू सिंपल वेवलेंथ ड्यू टू आवर ओन रजिस्टर ऑफ ट्रॉमा लिमिटेड टू आवर फैमिली ट्राइबल और क्लैन हिस्ट्री. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू बैलेंस द पर्सन इन हिज बॉडी एंड इन हिज एनवायरमेंट सो एज टू बी एबल टू रिवील टेंशन फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट. वर्चुअल एग्रेशन जगह से ज्यादा बढ़ जाता है. कई लोग होते हैं जो अपने पेरेंटल होम जाते हैं और वो अननेसेसरी उनको तकलीफें होना शुरू हो जाती है. जब अपने घर में रहते हैं या कहीं बिजनेस और काम में रहते हैं तो कुछ नहीं होता है. जब पेरेंटल होम में जाते हैं तो दे स्टार्ट कलेक्टिंग विद ओल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको रिलेशन मिल जाता है उधर ओल्ड इन्फॉर्मेशन का, और फिर उनकी बीमारियां बढ़ जाती है, तकलीफें बढ़ जाती हैं. तो उस जगह वर्चुअल एग्रेशन उनके शरीर में डेवलप हो जाता है. ये एग्रेशन अर्थ बेस्ड है, एंसेस्ट्रल है, पास्ट है. जो भी पास्ट ट्रॉमा और एग्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द अर्थ विच इज योर एंसेस्ट्रल अर्थ विच इज योर पास्ट विच इज योर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू नेचर.